Good morning, viewers, and today welcome again to a new episode of Medi Chit Chat. And we are so honored to have a very senior professor in surgery, Dr. Anuradha Panchal Madam, for this preventive episode. We are on a mission so that we can prevent few illnesses from happening. मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो diseases हैं वो थोड़े पहले पिकअप हो जाएं. तो मैडम, हम लोग आपसे ब्रेस्ट लम के बारे में और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, बट बिफोर दैट मैं चाहती हूँ कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. थैंक यू सो मच डॉक्टर रेचा, एंड वेलकम व्यूअर्स टू दिस स्पेशल एपिसोड. एंड इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ डॉक्टर रेचा को, जिन्होंने इतना बढ़िया तरीके से व्यूअर्स को एक्सपर्ट्स के थ्रू कनेक्ट किया है. कई बार कई सवाल होते हैं जो आंसर नहीं मिल पाते हैं और पेशेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एक्सपर्ट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और आप अपनी बीमारी को किस तरीके से पहले पहचान सकते हैं, सो दैट उसका ट्रीटमेंट भी हम अच्छी तरीके से ऑफर कर सकें आपको. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन डॉक्टर रेचा फॉर दिस वंडरफुल जॉब यू आर डूइंग. मैडम, आई वॉन्टेड यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. हम जानना चाहते थे कि आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ है. माई सेल्फ डॉक्टर अनुराधा पांचाल, एंड आई डिड माई MBBS एंड MS फ्रॉम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल. इन आई पास माई MS इन 1998. सो ऑलमोस्ट 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस लॉन्ग टाइम. एंड नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ और मेडिकल कॉलेज से अटैच्ड हूँ. और कुछ साल पहले, अनदर 10 ईयर्स डाउन द लाइन, मैंने लाइफस्टाइल रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स किया है, एंड आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एज ए लाइफस्टाइल कोच, जहां मैं लोगों को एजुकेट करती हूं कि किस तरीके से ओबेसिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से आगे आने वाली बीमारियों के प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली. एंड लेट मी टेल द व्यूअर्स कि मैडम बहुत पैशनेटली करती हैं, एंड पीपल हैव बेनिफिटेड अ लॉट विद हर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कोचिंग्स. सो मैम, हम लोग ये जानना चाहते थे कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं वो आपकी प्रैक्टिस में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं. ओके, बहुत ही जेन्यून सवाल है, बिकॉज कई बार जो हमारी एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, उसमें हमने ये रियलाइज किया है कि बहुत सारी फीमेल्स जो होती हैं एक्चुअली बहुत डिले करती हैं डॉक्टर के पास पहुँचने में. ओके, कहीं हिचक होती है, कहीं एक शर्म होती है कि किस तरीके से इस तरीके की बीमारी को मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, कोई फीमेल डॉक्टर है कि नहीं है, मेल के पास जाना नहीं चाहती. तो कई चीज़ें सवाल होते हैं पेशेंट के भी मन में. और बहुत सारी, अगर हम रूरल एरियाज़ को लेते हैं, तो आई थिंक बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं इसको बहुत समय तक नेग्लेक्ट करती हैं. आजकल मॉडर्न ज़माने में या सिटीज़ में डेफिनेटली लेडीज़ पिकअप कर रही हैं और सही समय पे आके डॉक्टर को दिखाती हैं. तो थोड़ा सा जल्दी आजकल पिकअप हो जा रहा है. Absolutely, अवेयरनेस भी, आप लोगों ने इतना जो काम किया है अवेयरनेस का, उसके थ्रू भी थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है कि स्टेजेस, अर्ली स्टेजेस में पेशेंट आने लगे. अवेयरनेस आ गई है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक्सपोजर ज़्यादा है, इंटरनेट ज़्यादा है, तो लोग थोड़ा अवेयर होने की वजह से लोग कॉन्शियस भी हो गए इस एरिया में और चाहते हैं जरा भी थोड़ा सा उनको डाउट कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास. मैम, आज का जो ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी आ गई है, कोई दूर दराज रूरल एरिया में भी है तो भी वो डॉक्टर से कनेक्ट कर पाते हैं. डेफिनेटली ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, और मोर ओवर कोविड टाइम में ये इसका हमने जो बहुत एक्सीलेंट बेनिफिट देखा है, क्योंकि लोग पहले इतना अवेयर नहीं थे इस बारे में, बट ऑनलाइन से डेफिनेटली बहुत ज्यादा फर्क पड़ा आज के समय. और हमारा मिशन भी ऐसा ही है कि हम कम से कम जनता को सही नॉलेज तो दे दें. Absolutely, है ना? Absolutely. ताकि वो, तो जैसा आपने कहा कि बहुत सारी लेडीज जो हैं वो डिनाई करती हैं, वो मतलब वो अक्नॉलेज नहीं कर पाती हैं कि जल्दी आने में कहीं ना कहीं शर्माती हैं. हाँ, वो सोचते सोचते संकोच में ही महीना निकल जाता है. मैडम, हम ये जानना चाहते थे कि कौन से हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कॉमन होता है. अगर हम हाई रिस्क की बात करते हैं, पहली चीज़, जैसा मैं पहले सवाल से ही कंटिन्यू करना चाहूँगी, जैसा डॉक्टर रेचा ने पूछा कि क्योंकि समय अगर दिखाने में चला जाता है तो कहीं ना कहीं उसके ट्रीटमेंट का ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है. सो अगर मैं देखूँ कि हमारी प्रैक्टिस में ब्रेस्ट के जो पेशेंट्स आते हैं या ब्रेस्ट लम्ब के जो पेशेंट आते हैं, वो कुछ महीनों की हिस्ट्री डेफिनेटली लेके आते हैं कि भाई एक पेनलेस लम्ब था. और ज्यादातर इस लेडीज इसलिए भी डिले कर देती है बिकॉज पेन नहीं होता तो उनको पता ही नहीं लगता कि इसमें हमें डॉक्टर के पास जाना है और कोई कंसल्टेशन लेनी है. तो ज्यादा टाइम पेनलेस लम्ब होता है. तो मेरा ये सजेशन रहेगा
कि आप हमेशा एक एग्जामिनेशन अपने आप में करते रहें, और जब भी कभी लगे कि किसी तरीके की गांठ नज़र आती है ब्रेस्ट के अंदर या फील होती है या अंडर आर्म्स के अंदर आपको अगर फील होती है तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं। तो पहली सिचुएशन में हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कुछ महीनों से फील करते थे कि गांठ थी, कई बार एक सिंगल गांठ होती है, बट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट गांठ की वजह से नहीं आता, पेशेंट को स्किन में चेंजेस, ब्रेस्ट की स्किन में चेंजेस नजर आते हैं, विच मीन्स कई बार निप्पल से डिस्चार्ज आने लगता है, कई बार स्किन में स्किन के चेंजेस नजर आते हैं, कई बार जो निप्पल होता है वो रिट्रैक्ट हो जाता है, उसमें फिशर्स आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, डिस्चार्ज भी कई बार ब्लड डिस्चार्ज भी हो सकता है और वाइट कलर का डिस्चार्ज भी हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन किस कैटेगरी में वो पेशेंट है, अगर लैक्टेटिंग है तो कई बार उसका डिस्चार्ज होता है, पस डिस्चार्ज भी आना शुरू हो जाता है, कई बार उसकी भी गांठ बन, मतलब किसी भी तरह का स्किन चेंज हो या कोई लंप हो, तो किसी भी तरह से संकोच ना करें, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उसको दिखा दें। मेरे ख्याल से मैडम फर्स्ट स्टेप आप लोग बायोप्सी करने का ही करते हैं ना? जैसा आपने अभी सवाल पूछा डॉक्टर रेचा कि कौन से रिस्क फैक्टर हैं कि उन लेडीज को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो इस एरिया में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम 4-5 चीजों को मानते हैं और रिस्क फैक्टर में अगर कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो पहली चीज है कि वो लेडीज जो कि थोड़ा सा हायर एज ग्रुप में है, 40+ 50+, हालांकि आजकल 20+ 30+ में भी देखा गया है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, विच मीन्स कि अगर आपको गांठ हो रही है तो चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी उस एज में ज्यादा होते हैं। सेकेंडली ये देखा है कि जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को नहीं कराया है, ओके, नलीपेरस वुमेन होती हैं या प्रेगनेंसी नहीं हुई है या किसी वजह से प्रेगनेंसी बच्चा हुआ है लेकिन ब्रेस्ट फीड नहीं कराया है, उनमें ये बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तीसरा होता है कि ओबेसिटी डेफिनेटली एक रोल प्ले करती है, और अगर आपका बल्की ब्रेस्ट है, आप ओबीज हैं, तो फैट सेल्स जो होते हैं कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलिग्नेंसी इन द ब्रेस्ट। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स में भी होते हैं। यस, जेनेटिकली अगर हम देखते हैं तो ये फेमिलियल टेंडेंसी इसकी मानी जाती है, और आप हमेशा ये भी ध्यान रखें कि अगर आपकी फैमिली में आपकी मैटरनल हिस्ट्री, विच मीन्स अगर आपकी मदर को है, आपकी नानी को है, आपकी मौसी को है, आपकी मदर की साइड के जो रिलेटिव्स हैं, कजिन को, अगर उसमें अगर कहीं पे मेलिग्नेंसी हुई है पहले या कोई ट्रीटमेंट हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, और एक्स्ट्रा केयरफुल होते होते समय पे अगर इस तरीके की कोई शिकायत होती है तो डेफिनेटली समय पे आके डॉक्टर को कंसल्ट करें। मैडम आपने जैसा कि कहा कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, तो इसका हम लोग एक छोटा सा लिंक भी साथ में डाल देंगे कि किस तरह से किया जाए। एब्सोल्युटली, और हर महीने में कम से कम एक बार तो लेडीज को, नॉर्मली जो होता है महावारी खत्म होने के 1-7 दिन के बाद अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको आपको याद भी रहेगा कि हाँ महीना चला गया तो आप एक बार चेक कर लें। अच्छा मैडम, आपका इसमें एनुअल हेल्थ चेकअप के बारे में आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है? ओके, नाउ अगर हम इस चीज़ को लेते हैं कि अगर आपके, मान लीजिए किसी के नोन सर्कल में आपको कोई ब्रेस्ट का लंप है, तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है इसको इन्वेस्टिगेट करने का भी, और इन्वेस्टिगेशन में अगर हम देखते हैं, एक अपने मेडिकल टर्म्स में हम लोग ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं। अच्छा, ट्रिपल असेसमेंट में एक तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है जिसमें हमने बात की, और दूसरा होता है कि हम रेडियोलॉजिकली मैमोग्राफी करके देखते हैं। तो मैमोग्राफी में हम अर्ली को पिकअप भी कर सकते हैं, और दोनों ब्रेस्ट का हम मैमोग्राफी करके सिचुएशन को देख सकते हैं, और तीसरा होता है पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, विच मींस अगर हम आज के ज़माने में अगर हम नॉन इन्वेजिव मेथड लेते हैं, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा आपको इन्वेजिव ऑपरेटिव प्रोसीजर नहीं करना पड़े, तो फाइन नीडल साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से आप सेल्स को साइटोलॉजी करके आप सेल्स को देख सकते हैं, और उसमें भी कई हद तक डायग्नोसिस होने की संभावना रहती है। तो मैडम आपके प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स थोड़ी जल्दी आ जाते हैं उनकी रिकवरी कैसी रहती है? डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज हमारा मेन इंटेंशन यही है कि आप जल्दी आए, डायग्नोसिस जल्दी बने, सो दैट हमारा ट्रीटमेंट पार्ट जो रहेगा वो आपको 100% क्योर दे सके, दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और इसमें ये देखा गया है, अगर आप आते हैं और आपको मान लीजिए कुछ महीनों से ब्रेस्ट में लंप है, बहुत सिंपल असेसमेंट किया जाता है, क्लिनिकली हम पहले आपको एग्जामिन करते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपका रिस्क फैक्टर तो नहीं है, किस तरीके से आपकी फैमिली लाइफ गई है, उस पे बेस्ड फिर हम आपकी सबसे पहले जो होती है रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, बट उसके अलावा हम जो है सबसे पहले जैसा मैंने बताया
फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कराते हैं। बहुत सिंपल सी जांच है, सुई डाल के और एक फ्लूइड लिया जाता है और उसकी साइटोलॉजी फिर स्लाइड बना के टेस्ट की जाती है कि सेल्स किस तरीके के हैं, ये कैंसर सेल्स हैं या फिर कुछ ऐसी गांठें भी होती हैं जो कि बिनाइन होती है, मतलब नॉन कैंसर कंफर्म तो वो बायोप्सी ही कर पाएगा। कभी आप ये दिमाग में मत सोचिए कि भैया अगर मेरे को ब्रेस्ट गांठ है तो वो कैंसर ही, बहुत वैरायटी के होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बिनाइन भी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एफएनएसी करा देते हैं, उसकी रिपोर्ट में 2 दिन के अंदर हमको वो रिपोर्ट मिल जाती है। उसमें अगर कुछ सस्पिशन होता है या उसमें हमें कोई डायग्नोसिस, क्लिनिकली हम देखते हैं कि हमें मेलिग्नेंसी लग रहा है, हार्ड लंप है, बड़ा लंप है और स्किन चेंजेस भी हैं, रिट्रैक्शन के निप्पल के भी चेंजेस अगर हमको नजर आते हैं और हमें कोई कंक्लूसिव डायग्नोसिस नहीं मिलता है एफएनएसी में, तो देन हम बायोप्सी प्लान करते हैं, टूकट बायोप्सी। तो बायोप्सी भी बहुत सिंपल होती है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बेहोश करना रहता है और बड़ा प्रोसीजर है, सिंपल सा प्रोसीजर होता है। एक बायोप्सी गन आती है, उससे हम आपका छोटा सा एक टुकड़ा ब्रेस्ट का निकालते हैं। तो आपने इतना रिलैक्स कर दिया हमारे व्यूअर्स को कि बिल्कुल डरे नहीं, और एब्सोल्युटली आप लोग, मैडम आप लोग कितना एडवांस है कि इतने सारे फीमेल सर्जन्स हैं अब अवेलेबल, जहाँ पे वो संकोच की जो बात थी, आजकल तो बहुत अंदर भी बहुत सारे मतलब फीमेल सर्जन्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से अप्रोच कर सकते हैं। आज के जमाने में ऑप्शंस बहुत बहुत, पहले टाइम में इस तरीके की इतनी इजिली अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है डॉक्टर्स का कोई जेंडर नहीं होता, मेल हो या फीमेल हो अच्छे ही है, लेकिन अगर किसी को थोड़ा संकोच हो तो आप अपने आसपास के एरिया में जो फीमेल सर्जन है उनके पास भी आप अप्रोच कर सकते हैं। सो बायोप्सी भेजते हैं और बायोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद किस टाइप का वो ब्रेस्ट कैंसर है और उसके फर्दर मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं उसके ऊपर डिसीजन किया जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ये देखेंगे कि अगर आपकी डायग्नोसिस जल्दी बन जाती है, छोटा लंप होता है, अर्ली स्टेजेस में होता है, 100% रिकवरी है और हर केस में पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, देयर इज समथिंग कॉल्ड कंजर्वेटिव ब्रेस्ट सर्जरी भी कर सकते हैं, ओके, जिसमें छोटा सा लंप है और इन सीटू अगर मेलिग्नेंसी लगती तो छोटी सर्जरी करके उस गांठ को निकाल सकते हैं। ये भी अर्ली डायग्नोसिस का बेनिफिट है कि यू कैन एक्चुअली कंजर्व द ब्रेस्ट एंड एस्थेटिकली आल्सो इट इज वेरी रिस्क, बिकॉज साइकोलॉजिकली भी बहुत फर्क पड़ता है। सही, सो आप अगर अर्ली स्टेजेस में आ जाते हैं, डायग्नोसिस बन जाता है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं फ्यूचर में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो 4 स्टेजेस में होता है और अगर आप पहली और दूसरी स्टेज में आते हैं तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत इजीली होता है और इसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा होता है, तो आपका लाइफ स्पैन भी मतलब नॉर्मल रहता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड लाइफ स्पैन नहीं होता। और अगर आप 3rd या 4th स्टेज में आते हैं तो फिर आपकी मेजर सर्जरीज होती हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट भी होती हैं और क्योर करना थोड़ा सा जो प्रोग्नोसिस होती है वो भी पुअर हो जाती है, डिफिकल्ट मैनेजमेंट हो जाता है, देन इट हैज टू बी फॉलोड बाय द कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, जो कि आइदर वी हैव टू गो फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट, समटाइम्स इन द लेटर स्टेजेस एडवांस स्टेजेस में कीमोथेरेपी से शुरू करते हैं, लेटर ऑन वी गो फॉर द ऑपरेटिव प्रोसेस। सो ऑप्शंस तो उसमें भी हैं, एडवांसमेंट्स भी हैं, लेकिन जो कि कुछ हम बहुत जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं अगर हम इग्नोर ना करें, डिनाई ना करें, तो फिर माइट एज वेल कैच इट वेरी वेरी अर्ली। यही अगर बीमारी है और उसको अर्ली स्टेजेस में हमने पकड़ लिया और उसका ट्रीटमेंट 100% मिल गया तो यू आर एज गुड एज अ नॉर्मल पर्सन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाह रही थी, मेरे एक डॉक्टर रिचा के इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कभी भी आपको लगे सेल्फ एग्जामिनेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं और कभी भी इन डाउट रहे तो एक डॉक्टर से जाके कंसल्टेशन जरूर करें, ताकि आपकी आने वाली बीमारी को हैंडल करना और आपको कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करने में हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हम 100% क्योर कर सके आपकी बीमारी को तो नथिंग लाइक इट, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए, अपनी खाने पीने की हैबिट को, अपने वजन को कंट्रोल रखिए, और अगर आप रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली आप ईयरली बेसिस पे मैमोग्राफी करा के अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करके आप इसको प्रोटेक्शन लाइफ लॉन्ग भी दे सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग। दैट इज फ्रॉम व्हाट दैट विल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू दैट काइंडली बी अवेयर दैट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन अर्ली डायग्नोज द केस एंड वी कैन ऑफर यू 100% क्योर इन दिस केस। मैडम आपने इतना हमको जानकारी दिया और इतना इलाबोरेटली सब कुछ बताया,
वी आर सो थैंकफुल टू यू। जाते जाते अगर आप कुछ अपनी तरफ से और हमारे दर्शकों को ऐड करना चाहते हो। थैंक यू सो मच रिचा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं और इन प्लेटफॉर्म को, इन नॉलेज और एक्सपीरियंस, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस को अगर हम देखते हैं तो आई थिंक हमारा माइंडसेट बीमारी आज के टाइम में नहीं होना चाहिए। हमारा माइंडसेट कैसे हम बीमारी ना हो, इस डायरेक्शन में अगर हम कुछ रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, विच मीन्स थोड़ा लाइफस्टाइल, खाने पीने का तरीका, आई नो आज की करंट लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस नहीं कर सकते, बट थोड़े थोड़े डेली रेगुलर बेसिस पे अगर हम एक्सरसाइज रेगुलरली करें, खाने पीने में अगर हम रेगुलर थोड़ा डिसिप्लिन अपनाएं, वीकेंड्स पे चीटिंग चल जाती है, बट डेली बेसिस पे थोड़ा सा डिसिप्लिन रहे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कहीं ना कहीं वेट को कंट्रोल रखें किसी ना तरीके से, जो भी आप कर सकते हैं, जंक फूड को थोड़ा सा कम अपनी लाइफ में रखिए। अगर ये एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट अगर हम अपनी बॉडी को इनफ रेजिस्टेंस पावर और इम्यूनिटी बिल्डअप करते हैं, आजकल बहुत कोविड के बाद एक बज वर्ड हो गया इम्यूनिटी तो हमेशा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द डिजीज, राइट। सो वो हमेशा इंपॉर्टेंट थी, बट आज के जमाने में थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस तो आ गया कि अरे इम्यूनिटी भी कुछ होगी।